हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ पार्ट 3 क्रोम एक्सटेंशन के बारे में। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। इसके पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज लास्ट वीडियो है पार्ट 3। इसके बाद अगर कभी भी कोई नया एक्सटेंशन अगर मुझे मिल जाता है नया जो बहुत काम का होगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। तो आज फाइनल जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। तो आप प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लीजिए, तो अभी पार्ट 3 देख लीजिए, ठीक है। तो अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। जो अभी फर्स्ट एक्सटेंशन जो आज मैं बताने वाला हूँ वो है ग्रामरली, GRAMMERLY, ठीक है। तो इसे आप यूज कर सकते हैं। जब आप इसे यूज करेंगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होगा। जब आप मतलब कुछ टाइप करेंगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ लेगा ये, ठीक है। ये रहा, तो आपको इसे ऐड करना होगा। ऐड कर लीजिए। उसके बाद देखिए, इसको मैं पिन कर लेता हूं पहले। ये रहा, ठीक है। तो अभी अगर आप कुछ टाइप करेंगे, सपोज यहां में आप टाइप करेंगे तो इसमें नहीं होगा। अगर आप मेल में टाइप करेंगे, सपोज मैं मेल खोल लेता हूं, मैं कंपोज में सिलेक्ट करता हूं अभी, और यहां में सपोज मैं लिखा हूं स्पेलिंग SPELING, ठीक है। लेकिन ये खुद ब खुद करेक्ट कर देगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। सपोज मैंने लिखा है डॉग, DOG, ठीक है, फिर ई लगा दिया तो ये अभी नहीं होगा। डॉज मतलब एक वर्ड है। सपोज मैंने एलिफेंट लिखा, ELA, वैसे तो ई है, मैं ए लिखा हूँ PHANT, तो ये खुद ब खुद करेक्ट कर देगा। देखिए, ये देखिए खुद ब खुद करेक्ट हो गया है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं जो है ग्रामरली, ठीक है। तो अभी मैं इस एक्सटेंशन को रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अभी सेकेंड जो एक्सटेंशन है वो है डार्क रीडर, ठीक है। तो आपका वो स्क्रीन डार्क कर देगा। मैं दिखा रहा हूँ डार्क रीडर, ये रहा। तो अगर आप इसे ऐड कर देंगे और इसको आप ऑन कर देंगे तो आपका स्क्रीन डार्क हो जाएगा। ये देखिए डार्क हो चुका है। अभी मैं इसको पिन कर लेता हूँ, फिर इसको मैं ऑन कर दूंगा। इसको ऑन कर दिया, अभी ये आपका स्क्रीन डार्क कर देगा। आप कुछ भी आप रीड करेंगे तो सपोज मैं गूगल खोल रहा हूँ तो ये काला हो गया है। ऐसे आप यूज कर सकते हैं डार्क रीडर। तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये रहा सेकेंड, ठीक है। अभी थर्ड जो है वो है INSSIT, मतलब INSSIST। इसे आप इंस्टाग्राम में कभी कभार, अगर आप डेस्कटॉप में यूज करते हैं इंस्टाग्राम तो हमें कभी स्टोरी नहीं मिलेगा, आपको शॉर्ट्स वीडियो नहीं मिलेगा, रील्स नहीं मिलेगा, कभी कुछ पोस्ट नहीं कर सकेंगे। तो आप इसे यूज करके आप मोबाइल की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये है INSSIST, ठीक है। तो आप इसे आप ऐड कर लीजिए, फिर देखिए क्या कर सकते हैं आप इससे। ये ऐड हो चुका है। अभी मैं इसको पिन कर लेता हूँ। अभी मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, ठीक है।
तो ये मोबाइल की तरह खुल जाएगा। देखिए ये मोबाइल की तरह खुल गया, अभी देखिए ये मोबाइल की तरह खुल गया, ठीक है। इससे आप यूज कर सकते हैं इंस्ट, ठीक है। अभी देखिए अगर आप इसे अभी रिमूव कर देंगे तो फिर से डेस्कटॉप वर्जन की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो कभी डेस्कटॉप में कभी कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, फिर देखिए ये डेस्कटॉप वर्जन में खोल जाएगा। ये देखिए डेस्कटॉप वर्जन में खोल चुका है, ठीक है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी डेस्कटॉप वर्जन में हो चुका है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, तो आप मोबाइल की जो जो ऑप्शन में है तो इंस्टाग्राम में आप उसे ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो है वो है, जो फोर्थ है वो है अनपेवेल। तो आप देखिए अनपेवेल में अनपे वॉल, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हैं, कभी कभार कुछ टॉपिक मतलब कुछ इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको पे करना पड़ता है कुछ वेबसाइट में, तो उस पेमेंट को हटाने के लिए आप इस अनपेबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा पास अभी कोई एग्जांपल नहीं है, अगर आप मतलब अगर मेरे पास एग्जांपल होता तो मैं जरूर दिखा देता इसे कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ, आप इस लॉक बटन में टैप कर दीजिए तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो की तरफ फॉलो करते रहिए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते रहिए और ट्राई करते रहिए, ठीक है। यहाँ मैं दिखा है, अभी ट्राई नाम में क्लिक करेंगे अभी तो आपको पूरा दिखा देगा, ठीक है। तो मैं अभी देर नहीं लगाता हूँ, क्विकली मैं बता देता हूँ। लास्ट एंड फाइनल जो एक्सटेंशन बताने जा रहा हूँ वो है डोंट एफ विथ पेस्ट। कभी कभी आपका बैंकिंग वेबसाइट में आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसका मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर दे सकता क्योंकि आप जानते ही है ये थोड़ा मतलब सिक्योरिटी रीजंस के वजह से मैं नहीं दे सकता, ठीक है। डोंट रुकिए विथ पेस्ट, ये रहा, ठीक है। आप इसे ऐड कर लीजिए तो आपको वहां में पेस्ट भी कर सकेंगे, आप यूजर नेम हो या पासवर्ड हो, ठीक है। तो ये ऐड हो चुका है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट में या फिर कुछ कहीं पर भी अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड पेस्ट नहीं कर सकते तो अभी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यही है, देखिए ऐड पैटर्न सेव भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने आज भी 5 बता दिया एक्सटेंशन, तो मैंने टोटल 15 बता दिया है। पार्ट वन में 5, सेकेंड पार्ट में भी 5 और थर्ड में भी मैंने 5 एक्सटेंशन के बारे में बता दिया है। तो आप इस 15 वेबसाइट मतलब एक्सटेंशन को आप यूज करके क्या क्या कर सकते हैं आप अच्छे से देख लीजिए, तो आपका बहुत मदद मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।